हाई गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल गाइज इन दिस वीरियो आई एल बी कवरिंग द सेकेंड चैप्टर ऑफ ए सी सी एफ नाइन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रिजल टेक्निक्स तो गाइज बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे तो इसका छोटा सा मैं तुम्हें बताता हूँ इस चैप्टर में वॉट वी हैव टू स्टडी तो देखो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इन्वेस्टमेंट अप्रीजल का मतलब क्या होता है सिंपल के वैद व वैद

तो वो कैसे पता चलेगा हम इन्वेस्टमेंट में कि हमें अगर मान लो हमने सोचा हुआ है कि अगर हम कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं लेट से बैंक में अगर मैं वन करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करूं तो वन करोड़ इन्वेस्ट करके बैंक से आई विल गेट अ रिटर्न ऑफ लेट से टेन परसेंट ठीक है तो ये मेरा एक बेंचमार्क बन गया है कि टेन तो मिनिमम मुझे मिलता मिलता है विदाउट डूइंग एनी रिस्की जॉब ये सिंपल सिंपल अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे टेन मिलेगा तो मैंने बोला है कि अगर मैं बिजनेस में मुझे जो रिटर्न आ रहा है अगर वो लेट से ट्वेल्व परसेंट से ज़्यादा आ रहा है अगर कोई भी बिजनेस है जहाँ पे मैंने देखा कि रिटर्न मुझे ट्वेल्व परसेंट से ज़्यादा आ रहा है मैं उसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करूंगा अदरवाइज आई इन्वेस्ट डेट मनी इन दी बैंक ठीक है ना ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि अगर बिजनेस भी तुम्हें टेन परसेंट कमा के दे रहे तो तुम क्यों बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे वो तो एक तरह से रिस्की भी है कल को लॉसेज भी हो गए एफ डी में तो इंटरेस्टेड तुम्हें आता रहेगा तो ये एक हमारा डिजायर्ड रेट होता है इस रेट से ऊपर जो भी हमें रिटर्न आ रहा होगा इन्वेस्टमेंट का हम अगर हम उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो अगर हमारे को जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न इससे ज्यादा दे रही है तो वी विल इन्वेस्ट मनी अदरवाइज नॉट तो अब ये वैल्यू कैसे आएगी हाउ टू कैलकुलेट के इन्वेस्टमेंट हमें इतना कितना रिटर्न दे रही है और वो रिटर्न सही है कि नहीं सो so, वो टेक्निक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत छोटा सा चैप्टर है बहुत सिंपल सा चैप्टर है तो लेट स्टार्ट सो वॉट इज द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस क्या होता है सो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस बेसिकली इज वन स्टेज इन द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टू फाइंड आउट वेदर इन्वेस्टमेंट विल बी गुड और नॉट दिस अप्रेजल हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स असेसमेंट ऑफ लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अर्न फॉर द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर मेड कि जितना हमने खर्चा किया है जो अमाउंट हमने पे किया है उस पर कितना हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ओवर प्रोजेक्ट लाइफ कि प्रोजेक्ट जो हमारा है प्रोजेक्ट की जो लाइफ है आगे कब कब इस प्रोजेक्ट में कितने कितने और खर्चे हो सकते हैं

उस पर कितने परसेंट हमें रिटर्न मिल रहा है दैट इज़ आर और पे बैक पीरियड मीन्स कि जितना हमने खर्चा किया है कितने सालों बाद वो जो प्रोजेक्ट है हमारी कॉस्ट पूरी करेगा और उसके बाद हमारे प्रॉफिट होने स्टार्ट होंगे जैसे मैंने अगर फाइव लाख किसी प्रोजेक्ट में लगाए हैं तो फाइव लाख जो मैंने प्रोजेक्ट्स में लगाए हैं एक सेकेंड फाइव लाख जो मैंने प्रोजेक्ट में लगाए हैं कितने सालों बाद जाके मेरे फाइव लाख ये पूरे होंगे कि अब मेरे को फाइव लाख आ चुके हैं और उसके बाद जाके मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा तो दिस इज इस लाइक इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं वो आगे पढ़ेंगे अभी हमें ये नहीं पढ़ना वो इस चैप्टर में आगे है अभी वी आर कंटिन्यूइंग टू स्टडी वी आर टू स्टडी ऑन ठीक है तो और भी मेथड्स आते हैं जो और डिटेल मेथड है जिसमें हम अब इस चैप्टर में हम इसमें प्रेजेंट वैल्यू या इंट्रेंसिक वगैरह कंसिडर नहीं करते इस चैप्टर में ठीक है जैसे प्रेजेंट वैल्यू टेबल हमने पढ़ी थी एफ में पढ़ी थी एफ में पढ़ी थी कि अगर मान लो कुछ पैसे हमें एक लाख पांच साल बाद जाके आएंगे तो उस एक लाख की आज की वैल्यू क्या होगी तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो वो चीज हमें इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करनी वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी और वहां पर बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स और मैथड उसमें काफी क्वेश्चन भी है ठीक है अब सबसे पहले आता है हमारा आर ओ सी ई दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड अब एक सेकेंड गाइज ये गाइस मैंने थोड़ा सा कलर चेंज किया यहाँ पे तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो देख के मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें तो ये वाला कलर ठीक लग रहा है या फिर जो नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाऊँ वो पुराने तरह से वाइट बैकग्राउंड और नॉर्मल uh, जो हमारा टेक्स्ट होता है वैसे करके बनाऊँ ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव सा लग रहा है इसलिए मैंने ब्लैक कर दिया चलो एनी सो आर ओ सी ई दट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ए आर आर याद रखना अगर क्वेश्चन में कहीं भी ए आर आर पूछा जाता है दैट इज़ आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसके हमारे दो फॉर्मले होते हैं सो so, आर का पहला फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट में से अभी हमने ना इंटरेस्ट माइनस किया ना टैक्स माइनस किया है ठीक है प्रॉफिट में से ना इंटरेस्ट माइनस किया ना टैक्स माइनस किया डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपिटल कॉस्ट के इनिशियली हमने कितना टोटल खर्चा बिजनेस में करा था बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे दैट इज इनिशियल कैपिटल कॉस्ट इनटू टू तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी इन टू हंड्रेड कर देंगे तो वह में वो हमें एक परसेंटेज मिल जाएगा कि इतने परसेंट हमें रिटर्न उस प्रोजेक्ट पे आ रहा है दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये बिल्कुल सेम है डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट अब यहां पे क्या लिखा हुआ है एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहां लिखा था इनिशियल कैपिटल कॉस्ट अब यहां है एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट अब एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इन्होंने फॉर्मला बताया हुआ है इट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप प्लस स्क्रैप वैल्यू डि जितने पैसे हमने इनिशियली लगाए थे प्लस उस एसेट की स्क्रैप वैल्यू क्या है डिवाइड बाई टू अब देखो देखोगा इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन आती है बहुत सारे बच्चों की कि सर अगर हम नीचे इनिशियल कैपिटल कॉस्ट एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ लेट से एक प्रोजेक्ट से हमें हर साल टेन थाउजेंड डॉलर आ रहे हैं रिटर्न ठीक है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनिशियल जो मेरी कॉस्ट लगी थी इसमें इनिशियल कॉस्ट मेरी लगी थी लेट से फिफ्ट या इसको करता हूँ मैं टू लाख टू लाख मेरी इनिशियल कॉस्ट लगी थी इस प्रोजेक्ट को परचेज करने में मशीन को परचेज करने में और मुझे पता है जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है दैट इज लेट से एट एट थाउजेंड की एट थाउजेंड मेरी स्क्रैप वैल्यू है जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा जितने मर्जी सालों बाद खत्म हो जाएगा मुझे एट थाउजेंड रिटर्न मिल जाएगा तो अगर मैं पहला वाला फॉमूला यूज करता हूँ दैट इज़ एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इनिशियल कैपिटल कॉस्ट वैल्यू ,00 तो so तो तो आएगी इट्स गोइंग टू बी फाइव परसेंट लेकिन अगर मैं अपना मेथड ये वाला यूज करता हूं जो सेकेंड वाला मैथड है तो ऊपर तो हमारा टेन थाउजेंड ही रहेगा डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच इज कॉस्ट सॉरी कॉस्ट है टू लाख प्लस क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टू तो टू लाख प्लस एट थाउजेंड डिवाइड बाय टू ये मेरा आएगा वन लाख फोर थाउजेंड इन टू हंड्रेड अगर मैं इसको करूंगा तो टेन थाउजेंड डिवाइड बाय वन लाख फोर थाउजेंड इन टू हंड्रेड ये मेरा आ रहा है नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट कितना आ रहा है मेरा नाइन पॉइंट सिक्स वन परसेंट तो अगर तुम देखो दोनों मेथड में जमीन आसमान का फर्क है

इसका लॉजिक क्या है guys, जो मुझे समझ आया इस चीज का रीजन क्या है ये जो मेथड है ये है एक्यूरेट मेथड बिट एक्यूरेट मैं 100 परसेंट नहीं कहूंगा बिट एक्यूरेट मेथड लेकिन ये जो मेथड है इसमें एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट तभी काम आ सकती है जब हमारी स्क्रैप वैल्यू हमें पता है प्रोजेक्ट की वो भी काफी ज्यादा है जैसे मान लो स्क्रैप वैल्यू मेरी है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है वन लाख एटी थाउजेंड या स्क्रैप वैल्यू मेरी है लेट से वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड कि जिस प्रोजेक्ट में स्क्रैप वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है

क्वेश्चन में हमेशा तुम्हें इनिशियल कैपिटल कॉस्ट यूज करना है अगर स्पेसिफिकली बोला गया है कि डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो तभी ये करना और मेरी अंडरस्टैंडिंग से ये चीज तभी ज्यादा होगी जब हमारे प्रोजेक्ट की स्कैप वैल्यू भी ज्यादा होगी ठीक है गाइस समझ आ सबको बहुत ही सिंपल सा बात है अब इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट है इन्होंने कहीं एक्सप्लेन नहीं किया हुआ वो सीधा क्वेश्चन में करके बताया हुआ आई टू तो टेल यू कि देखो गाइस दो चीजें होती हैं एक हमारा होता है कैश इनफ्लो कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि हमें टोटल कितना कैश आया सो बेसिकली दिस इज कैश रिसीव हमें टोटल कितना कैश प्रोजेक्ट से आया ठीक है अब अगर मुझे कैश इनफ्लो से पहुंचना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे अगर मुझे कैश फ्लो से कि कितना कैश आया उससे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंचना है तो मुझे क्या यहां से माइनस करना पड़ेगा आई हैव टू डिडक्ट ऑल नॉन कैश एक्सपेंस तुम ये मान के चलो अभी तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये कैश फ्लो वाला जो चैप्टर अगर तुम माइंड में सोचोगे तुम बोलोगे कि, कि सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो कैश इनफ्लो के बाद बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है करंट एसेट करंट लाइबिलिटी ये सब वो सब बहुत सारी चीजें होती हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट लेकिन हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं हम अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट टॉपिक के लिए तुम्हारे को सिर्फ इसमें से क्या माइनस करना है ऑल नॉन कैश एक्सपेंस जो स्पेसिफिकली बोला गया है जो सिर्फ होगी तुम्हारी डेप्रिसिएशन जो एफ चैप्टर के लिए सब्जेक्ट के लिए जो सिर्फ होगी तुम्हारी डेप्रिसिएशन या कोई एक आदि और कॉस्ट बताई हुई है वो बट नॉर्मली तुम्हारा डेप्रिसिएशन ही होगा तो कैश इनफ्लो माइनस डेप्रीसी जो तुम्हारा आंसर आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो हो सकता है अब जैसे इस फॉर्मूले के लिए हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए और क्वेश्चन में अगर कैश इनफ्लो गिवन हो तो उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे अपनी डेप्रिसिएशन पर एनम ठीक है और अगर हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है और कैश फ्लो निकालना है तो उसमें हम फिर डेप्रिसिएशन अगर यहाँ से चल रहे हैं तो इस डेप्रिसिएशन को हम एड कर देंगे सब नहीं करेंगे क्योंकि ये एड कर देंगे तब आएगा हमारा कैश इनफ्लो ठीक है सो नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन रूल डिसीजन कब डिसीजन हम क्या लेंगे इफ द एक्सपेक्टेड आर ओ सी फॉर द इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर दैन द टारगेट ऑफ हर्डल रेट के जो भी हमने टारगेट या हर्डल रेट डिसाइड किया हुआ है देन प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड अब सबसे पहले करते हैं अपनी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन इसमें क्या लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट इनवॉल्व द इमीजिएट परचेज ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग वन लाख टेन थाउजेंड डॉलर के वन लाख टेन थाउजेंड डॉलर का हमें इमीजिएट एक प्लांट परचेज करना है

के हमें चाहिए होता है क्या जो मैंने बताया था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बट यहां तो हमें एनुअल कैश फ्लो दिया हुआ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया नहीं हुआ तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था हमें इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन तो सबसे पहले मैं इसमें कैलकुलेट करता हूं डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन ईच ईयर विल बी इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम सबको डेप्रिसिएशन निकालनी आती हो क्यों क्योंकि हम अब एफ एम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंड इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि ये सब्जेक्ट तुम तभी पढ़ो जब तुमने एफ आर यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या एफ थ्री पढ़ा हो उससे पहले कभी भी ये चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ठीक है तो डेप्रिसिएशन ईच ईयर हमारी कितनी आएगी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वन लाख टेन थाउजेंड माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड डि यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज फाइव तो ट्वेंटी थाउजेंड मेरी आगे डेप्रिसिएशन ईच ईयर ट्वेंटी था अब अगर मुझे यहां निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कैसे निकलेगा वो मेरा निकलेगा एनुअल कैश फ्लो टू फोर फोर डबल जीरो माइनस डिप्रीसिएशन ईच ईयर ट्वेंटी थाउजेंड सो दैट मीन्स फोर फोर डबल जीरो है मेरा एनुअल कैश इनफ्लो ये है मेरा एनुअल कैश इनफ्लो ठीक है इस क्लियर है अब हमें इसमें क्या निकालना है वी हैव टू डेटमाइट दी प्रोजेक्ट्स आर ओ सी यूजिंग इनिशियल कैपिटल कॉस्ट और एवरेज कैपिटल मेथड तो मैं इसको रब कर देता हूँ मुझे पता है कि ये डिप्रिसिएशन है और ये मेरा प्रॉफिट है मुझे तो प्रॉफिट चाहिए था वो मेरे को प्रॉफिट मिल गया है दिस इज माई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इनिशियल कैपिटल कॉस्ट वन लाख टेन थाउजेंड हंड्रेड तो फोर्टी फोर डिवाइड बाई वन लाख टेन थाउजेंड इन टू हंड्रेड सो ये मेरा आता है फोर परसेंट ठीक है यहां पे एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो मुझे एवरेज निकालनी पड़ेगी सो एवरेज इज इनिशियल कॉस्ट प्लस क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टू दिस इज सिक्सटी थाउजेंड तो सिक्सटी थाउजेंड मेरा आ गया एवरेज सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इनटू टू हंड्रेड सो दिस इज फोर्टी फोर हंड्रेड डिवाइड बाई सिक्सटी थाउजेंड तो तो ये था, तो तो ये मेरा मेरे दो आ रहे हैं आंसर एज पर इनिशियल कॉस्ट और एज पर एवरेज कैपिटल मेथड सिंपल था बिल्कुल मुश्किल नहीं था हमने सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स लगाए हैं और यह क्वेश्चन सॉल्व किया है ठीक है अब नेक्स्ट आता है हमारा ये क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ एट लाख एंड देन earns कैश inflow एज फॉलोज ये मेरे को अलग अलग ईयर्स के अलग अलग कैश इनफ्लो दिए हुए हैं. ठीक है ठीके? अलग अलग ईयर्स के अलग अलग कैश इनफ्लो दिए हुए हैं. इन एडिशन एट दिन ईयर प्रोजेक्ट इनिशियली परचेज विल बी सोल्ड फॉर टेन थाउजेंड मतलब ये होगी मेरी स्क्रैप वैल्यू अब यू मस्ट बी वंडरिंग सर यहां पे तो हमें हर साल का तो प्रॉफिट दिया ही नहीं हो. हमें तो हर साल के अलग अलग प्रॉफिट दिए हुए तुम तो तो कौन से साल का प्रॉफिट लें तुम्हें तो याद होगा हमने फॉर्मले में पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो पहले तो हमें हर साल का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अगेन डेप्रिसिएशन एट लाख प्रोजेक्ट की वैल्यू है माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारी है वन लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ है सेवन ईयरस का प्रोजेक्ट तो उस वन लाख मेरी होगी डेप्रिसिएशन ईच ईयर और मुझे दिया हुआ है कैश इनफ्लो तो डेप्रिसिएशन तो वाली फिगर हटा दूं तो हर साल डेप्रिसिएशन लगेगी हंड्रेड तो पहले साल भी हंड्रेड दूसरे साल भी हंड्रेड तो हर साल हंड्रेड डेप्रिसिएशन लगेगी ठीक है अब मैं क्या करूंगा अब मैं देख लूंगा मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हर साल का कितना आएगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो हर साल का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले साल का आ रहा है जीरो दूसरे साल का आ रहा है हंड्रेड थर्ड ईयर का आ रहा है मेरा थ्री हंड्रेड इसका भी थ्री हंड्रेड इसका टू हंड्रेड इसका हंड्रेड इसका फिफ्टी जीरो प्लस हंड्रेड प्लस जीरो हंड्रेड थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टी ठीक है इस समझाया सबको अब मैं क्या करूँगा अब मैं इसकी एक एवरेज निकाल दूंगा तो ज़ीरो प्लस हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस फिफ्टी तो ये आ गया वन ज़ीरो फाइव ज़ीरो डिवाइड बाय सेवन क्योंकि सेवन ईयर्स हैं सो दैट मीन्स वन फिफ्टी आ गई मेरी एवरेज सो वन फाइव जीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो मेरे आगे एवरेज प्रॉफिट ठीक है इस मुझे एवरेज प्रॉफिट मिल गया समझ आया गया इस अब मैंने एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला हर साल मैंने जो मेरा डेप्रिसिएशन था वो मैंने माइनस कर दी फिर अपने निकाल दिए प्रॉफिट्स उनकी निकाल दी एवरेज तो एक तो तरीका गायज ये है जो हमारा प्रॉपर तरीका है प्रॉपर मेथड रूल वाला तरीका ठीक है अब एक और तरीका गायज हमारे पास होता है ये एवरेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी सेफ साइड के लिए दूसरा तरीका क्या होता है जो मैथ्स वाला तरीका है मैंने क्या किया पहले मैंने इन सब की एवरेज निकाल दी दैट इज हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी दिस इज वन सेवन फाइव जीरो डिवाइड बाई सेवन फिफ्टी तो टू फिफ्टी तो आ गई मेरी कैश इनफ्लो की एवरेज कि हर साल ऑन एन एवरेज ध्यान से सुनोगे हर साल ऑन एन एवरेज टू फिफ्टी मेरा कैश इनफ्लो होता है और हर साल ऑन एन एवरेज हंड्रेड मेरी डेप्रिसिएशन थी है ना हर साल ऑन एन एवरेज टू फिफ्टी मेरा कैश इनफ्लो होता है है ना इतना कैश इनफ्लो का एवरेज आ गया और हर साल मेरी डेप्रिसिएशन कितनी होती है वन लाख तो यहाँ से भी मेरा आंसर वन फिफ्टी प्रॉफिट का आ सकता है राधा देन मैं हर एक में अपनी डेप्रिसिएशन माइनस करूँ तो सिंपल मैथमेटिकल रूल इसकी एवरेज प्लस हंड्रेड 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 का सेवन की एवरेज तो वो भी एक तरह से यही बात पड़ जाएगी क्योंकि डेप्रिसिएशन पर ईयर है ना वन लाख तो डेप्रिसिएशन तो हर साल वन लाख रहेगी तो मैंने एवरेज जो मेरी कैश uh, इनफ्लो है उसकी एवरेज निकाल दी उसमें से मैंने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन पर ईयर तो ये भी कर सकते हो जो मैंने पहले किया था वैसे भी कर सकते हो ठीक है इस तो मेरे को एवरेज प्रॉफिट आगे बस अब तो मेरे को इनिशियल कैपिटल कॉस्ट तरीके से निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई इनिशियल कैपिटल कॉस्ट एट लाख इंटू हंड्रेड तो वन फिफ्टी डिवाइड बाई एट लाख इंटू हंड्रेड यह आता है एटीन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट एटीन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट और यहाँ पे वन फिफ्टी डिवाइड बाय एवरेज सो एवरेज मतलब एट लाख प्लस वन लाख डिवाइड बाई टू यह आइड बाई फोर फिफ्टी इन टू हंड्रेड सो दिसंट थ्री थ्री परसेंट तो ये आ गया मेरा दोनों तरीके से आंसर ठीक है गाइस सिंपल था बिल्कुल मुश्किल नहीं था बस लॉजिक्स लगाने और समझने एंड दैट्स इट और कुछ भी खास इसमें नहीं है अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारा गाय इनिशियल कैपिटल कॉस्ट अब इनिशियल कैपिटल मान लो हम कोई एग्जिस्टिंग एसेट है हमारा वो हम इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं तो उस एसेट की नेट बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल अगर हमने नई इन्वेस्टमेंट कुछ करिए वर्किंग कैपिटल में इस प्रोजेक्ट के लिए वो आएगी और कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नोट एनश्योर दिस इज एमोटाइज अगेंस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसको हम एमोटाइज करते so, like depreciation. Depreciation assets, ये सबको पता होगा हमने पढ़ा होगा ठीक है डेप्रिसिएशन इज ऑन फिक्स एसेड एन एमोटाइजेशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स तो वही वैल्यू हम इनिशियल कैपिटल कॉस्ट में करेंगे जिस वैल्यू को हम राइट ऑफ करते हैं या मोटरइस करते हैं अब एडवांटेजेस एंड ऑफ एडवांटेजेडवां क्या है देखो सिंपल सा क्वेश्चन है समझने वाला है आर का फायदा क्या है पहला तो बहुत ही सिंपल है जैसा हमने देखा है और लिंक विद अदर अकाउंटिंग मेजर्स के जो हमारे नॉर्मल अकाउंटिंग मेजर जैसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उससे लिंक होता है हमें ज्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ती इसके डिसएडवांटेजेस क्या है सबसे पहला प्रोजेक्ट की लाइफ का इससे कोई मतलब नहीं है अब अगर एक प्रोजेक्ट हमारा लेट से हमने इन्वेस्ट करे और 50 साल चल रहा है प्रोजेक्ट सोचो 50 साल हमारा प्रोजेक्ट चलेगा एक प्रोजेक्ट है जो सिर्फ सिर्फ चार साल चलेगा एक प्रोजेक्ट है जो 50 साल चलेगा एक है चार साल चलेगा अब 50 साल जो प्रोजेक्ट चलेगा वो प्रोजेक्ट मेरे को दे रहा है टेन हर ईयर का चार साल चलेगा वो मेरे को दे रहा है लेट से टेन हर ईयर का तो मैं क्या सोचूंगा कि यार ये प्रोजेक्ट पूरा पचास साल चलेगा ये इन्वेस्टमेंट पचास साल चलेगी कल को मार्केट में कोई नई चीज आ गई चेंजेस होगी कुछ हो गया तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी मेरी ठीक है ना ये प्रोजेक्ट है सिर्फ चार साल का और दूसरी बात है ये जो रिटर्न मुझे आ रही हैं जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस डेट पर यहां मुझे अगर टेन थाउजेंड पर ईयर आ रही है और यहाँ भी मुझे टेन थाउजेंड पर ईयर आएगी तो आज की डेट में जहां मैं खड़ा हूँ इस टेन थाउजेंड की वैल्यू आज की डेट में तो बहुत ही कम होगी प्रेजेंट वैल्यू तो उसकी बहुत कम है

प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या होता है कि हमने इतने पैसे कमाए बट इट इज नॉट कि जितना हमारा प्रॉफिट है उतना ही हमारा कैश इनफ्लो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मान लो मैंने सारी की सारी अपनी ध्यान से सुनना का मैंने सारी की सारी अपनी करी है क्रेडिट सेल मैंने सारे के सारे गुड्स अपने करे हैं क्रेडिट सेल अब अगर मैंने सारे क्रेडिट सेल किएट मेरे को कैश तो कुछ भी नहीं आया बिजनेस में लेकिन मेरी परचेज के खर्चे सैलरी के खर्चे वो सब तो मैंने खर्चे करे हैं लेकिन मेरी क्रेडिट सेल की फिगर बहुत ज़्यादा हाई थी इस वजह से मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा था तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा है मेरा बुक्स में दिख रहा है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है क्योंकि क्रेडिट सेल तो अक्रूवल बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं लेकिन कैश इनफ्लो कुछ नहीं है बल्कि यहाँ तो मेरा कैश आउटफ्लो हो गया जेब से ज़्यादा कैश चला गया क्यों क्योंकि मैंने सारी की सारी क्रेडिट सेल करी थी डेटर से कोई पैसे नहीं आए और मेरा बहुत ज्यादा खर्चा आ चुका है तो मैं अगर किसी प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करूंगा मैं खाली प्रॉफिट पे सट्टा लगा के अपने प्रोजेक्ट पे डालूंगा अगर उस प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो ही नहीं है कैश ही नहीं आ रहा उस प्रोजेक्ट से तो प्रॉफिट का मैंने चार डालना है प्रॉफिट जितना मर्जी बुक्स में दिखता रहे कैश ही नहीं जब बिजनेस के अंदर आ रहा तो बिजनेस कैसे चलेगा तो दैट्स वाई इट डज नॉट टेक अकाउंट फॉर कैश फ्लो इट डिपेंड्स अपॉन अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी की अब डेप्रिसिएशन कई लोग स्टेट लाइन पे लगाते हैं कई लोग रिट डाउन पे लगाते हैं मान लो बिल्कुल सेम लेवल की कंपनीज है ठीक है बिल्कुल सेम लेवल की कंपनीज है दोनों चाहती हैं कि हम उनके अंदर टेन लाख रुपीज इन्वेस्ट करें दोनों चाहती हैं ठीक है ठीके? टेन लाख रुपीज दोनों इन्वेस्ट करना चाहती हैं अभी हमारे ऊपर है कि हम किस में पैसे इन्वेस्ट करें दिस इज अस अब मैंने देखा कि यहां पे जब मैंने आर का फॉर्मूला लगाया तो यहां पे मेरा रिटर्न आ रहा है एट परसेंट यहां मेरा रिटर्न आ रहा है नाइन फर्क क्या है ये जो डेप्रिसिएशन लगाता है ये स्टेट लाइन मेथड पर यह डेप्रिसिएशन लगाता है रिटर्न डाउन वैल्यू पे रिटर्न डाउन वैल्यू पर क्या होता है डेप्रिसिएशन का रेट थोड़ा सा कम हो जाता है और स्ट्रेट लाइन मेथड पे तो हमेशा सेम रहता है तो आई थिंक मैं उल्टा बोल गया रुको ये लगाता है स्ट्रेट लाइन मेथड पे ये लगाता है डाउन वैल्यू पे तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन रहती है 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 इसलिए इसका जो प्रॉफिट थोड़ा सा कम आ रहा जिस वजह से परसेंटेज थोड़ी कम आ रही है इस बंद ये बंदा यूज करता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन भी कम होती रहती है क्योंकि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन कैरिंग अमाउंट है ना याद आ रहे होंगे थोड़े थोड़े ये याद करने पड़ेंगे लॉजिक्स याद करना पड़ेगा ये मत सोचो एफ थ्री एफ सेवन किसी में चैप्टर पढ़ लिया तो बस ये चैप्टर भूल गए बिल्कुल नहीं तुम्हें तो बाय हार्ट ये चीजें पता होनी चाहिए बिकॉज तुम एक प्रोफेशनल हो ये तो कोई भी तुमसे पूछे तुम्हें पता हो स्ट्रेट लाइन मेथड रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड इसका क्या इंपैक्ट होगा तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल कम आती है तो इसीलिए इसका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा था और इसीलिए इसका परसेंटेज ज्यादा आई है अब टेक्निकली की अगर मैं बात करूँ तो दोनों तो सेम लेवल पे लेकिन इस फॉर्मूले के बेस पे मैं तो पैसे इसमें इन्वेस्ट करूंगा विच इज रॉन्ग क्योंकि दोनों का कैश फ्लो सेम था फर्क सिर्फ क्या था कि इस पे डेप्रिसिएशन रेट ज्यादा थी जिस वजह से प्रॉफिट कम हो गए इसका डेप्रिसिएशन रेट थोड़ा कम था इस वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो गए तो इसीलिए इट वेरीज ऑन डिपेंडिंग ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज इट मे इग्नोर वर्किंग कैपिटल ये वर्किंग कैपिटल को भी इग्नोर कर लेता है वैसे तो हम इंक्लूड करते हैं इनिशियल कॉस्ट में लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें वर्किंग कैपिटल जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि कैश फ्लो के अंदर जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल होते हैं कि करंट एसिड इंक्रीज एक सेकंड गाइस करंट एसिड इंक्रीज करंट एसिड डिक्रीज ये सब कुछ हम कैश फ्लो में कंसिडर करते हैं लेकिन मैंने बताया था इस चैप्टर में हमें कंसिडर नहीं करेंगे है ना मैंने बताया था सो इट डज इट मे इग्नोर वर्किंग कैपिटल इट डज़ नॉट मेजर एब्सोल्यूट गेन कि हमारा एब्सोल्यूट गेन कितना हुआ है देर इज़ नो डेफिनेटिव इन्वेस्टमेंट सिग्नल कि ये जो हमें आंसर देता है ये मेथड जो हमें आंसर देता है आर ये हमें डेफिनेट आंसर नहीं बताता कि इसमें पैसे लगा लो या ना लगाओ क्यों हमें पता ये तो तुम कहोगे सर फिर हम पढ़ क्यों हो रहे हम बेवकूफ़ है इस मेथड को पढ़ के फायदा क्या जब इससे कुछ होना ही नहीं आई नो बट पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि बुक में है एग्जाम में आ सकता है ठीक है ना देखो गाइस रीजन क्या होता है हमें ऐसी चीजें क्यों पढ़ाई जाती हैं जो कि यूज नहीं होती या कम यूज होती हैं क्योंकि जब हमें कोई खराब चीज पढ़ाई जाएगी हम कोई खराब चीज पढ़ेंगे तभी अगर कोई अच्छा मेथड उससे बना है हम उसकी वैल्यू करेंगे कि अच्छा इसीलिए ये मेथड बेटर है ये वाला खराब था तो हमें ये नहीं पढ़ाया जा रहा कि तुम्हें मेथड लर्न करना है ध्यान से सुनो हमें ये नहीं पढ़ाया जा रहा कि तुम्हें ये मेथड यूज करना है ये मेथड यूज करना है हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि पहले ये मेथड यूज होता था लेकिन अब इन्होंने मेथड आगे चेंज कर दिया जो हम आगे पढ़ेंगे जिससे हमारा आंसर डेफिनेटिव और अच्छा आता है हो सकता है तुम में से ही कोई बच्चे जो मैं कहना चाह रहा हूं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हो तो तुम अपना भी कोई मेथड बना दो है ना तुम अपना कोई डिफरेंट मेथड बना दो जो इससे भी बेटर हो और वो मेथड जब तुम बनाओगे तुम तुम को दोगे लेकिन वो मेथड बच्चा नहीं मारना हमें कि ये बना कैसे है, कितना एक्यूरेट है और, और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है जिससे मेथड और ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है ठीक है तो ये था हमारा आर ओ सी अब इन एग्जामिनेशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डिस्कस दीचर एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टेक्निक इन एडिशन टू बीग एबल टू कैलकुलेटेड हमें फीचर्स ऑफ आर ओ सी या बेनिफि ऑफ आर ओ सी भी बताने हैं कि आर ओ सी में क्या क्या होता है क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ती है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं ये भी हमें एग्जाम में नोट्स के अंदर देने पड़ सकते हैं अगर ये बड़े क्वेश्चन में आया अब जो मैंने तुम्हें बताए थे एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेस उन्होंने इसी को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है तो इट्स बेटर तुम एक बार इसको पढ़ लेना तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा ये सेम वही चीज़ें सिंप्लिसिटी और लिंक विद अदर अकाउंटिंग मेजर्स डिसएडवाटेज डज नॉट इंक्लूड होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट तो वो सारा जो मैंने बताया हुआ है वो बिल्कुल ये चीज है पढ़ना जरूर है एक बार छोड़ना नहीं है पढ़ना जरूर है कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है लॉजिक्स पता है अब सिर्फ वर्डिंग्स पढ़ के उसको माइंड में डालना है कि ये अपने लैंग्वेज में उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा गाय दैट इज के जैसा कि हमने पढ़ा था प्रॉफिट वर्सेज कैश फ्लो जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें कैश फ्लो गिवन है तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं प्रॉफिट गिवन है तो हमें कैश फ्लो कैसे निकालना है यही पढ़ा था हमने गाइस तो यहाँ पे अब हमें यही बताया हुआ है कि वाई प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर टू बी बेटर एंड कैश फ्लो इज कंसिडर टू बी ए बेटर वे टू फाइंड आउट दी आंसर तो हमें सिर्फ ये चीज़ बताई हुई है कि कैश फ्लो इज कंसिडर बेटर सो एक बार हमें सारा थॉरली वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं पॉइंट्स हैं जो हम जब पढ़ेंगे तभी समझ आएंगे कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमारे पास कैश आता है जितना हमारे पास कैश आएगा उसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा रिटर्न ताकि हमें पता चले कि इतना कैश आया है और हम कैश फिथ डिविडेंड देने हैं अगले साल खर्चे करने हैं उन कैश से ही हम वो खर्चे कर पाएंगे तो अगर हमें आ, अपना ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने के नहीं करने हैं उसको एनालाइज़ करना है तो कैश इनफ्लो शुड बी कंसिडर्ड रादर देन प्रॉफिट वो क्यों वही चीज़ें यहाँ पर बताई मैं

एंड कैश इज़ यूज टू पे डिविडेंट हम जितने मर्जी प्रॉफिट कमा लें अगर कैश ही नहीं है मान लो हमारे प्रॉफिट्स हैं टेन थाउजेंड और कैश हमारे पास उस साल कुछ भी नहीं आया तो हम डिविडेंड ही नहीं डिक्लेयर कर सकते हम डिविडेंड कैसे देंगे लोगों को जब कैश ही नहीं है कंपनी के अंदर शेयर होल्डर को पता चला कि हमने प्रॉफिट कमाया गुड तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको डिविडेंड मिले जब डिविडेंड उनको देने की बात है तो हमने देखा कि यार कंपनी के पास कैश तो आया नहीं है सारा का सारा हमारा भी उधारी में पड़ा हुआ है तो हम उनको बोलेंगे कि हम आपको डिविडेंड नहीं दे सकते ऑफकोर्स उनको गुस्सा आएगा कि यार क्या फायदा फिर है ना उनकी वेल्थ भी नहीं बढ़ी तो वो दैट्स वाई अगर हमें देखना है कि प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के नहीं लगाने वी विल प्रेफर कैश फ्लो रैदर देन प्रॉफिट सो इन प्रैक्टिस कैश फ्लो इफेक्ट ऑन अ प्रोजेक्ट आर लाइकली टू बी सिमिलर टू द प्रोजेक्ट्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिट मेजर डिफरेंसेस इन कैश एंड प्रॉफिट फ्लोज लिंक बिटवीन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एसेट परचेज एंड डिप्रिशिएशन डेफिट टैक्सेशन कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड

तो मुझे देखना है कि रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है कि रेलिवेंट खर्चा मेरा कितना है कि अगर मैंने कोई भी खर्चा करा है तो क्या मैं उसको रेलिवेंट एक्सपेंस मानूंगा या मानूंगा कि वो तो नॉन रेलिवेंट एक्सपेंस है ये हालांकि बच्चों ने एफ और एफ में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा सेम वही चीज़ है बट थोड़ा सा कम है यहाँ पर डिटेल इतना डिटेल नहीं है तो ऑल दी मेथड्स फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल विद द एक्सेप्शन ऑफ आर ओनली रेलिवेंट कैश फ्लो शुड बी कंसिडर डीज आर फ्यूचर कैश फ्लो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो और कैश बेस के फ्यूचर एक्सपेंस होना चाहिए इंक्रीमेंटल मतलब कि जो नॉर्मल हम काम कर रहे हैं अगर हमने प्रोजेक्ट लगाया है उसकी वजह से मेरा कुछ एडिशनल खर्चा हुआ है वो भी कंसिडर करना है और जो खर्चा कैश में हुआ है मुझे उसको कंसिडर करना है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है अगर मान लो मुझे एक प्रोजेक्ट में टेन थाउजेंड मिल रहे हैं मेरे पास वन लाख ,00 है मेरे पास वन लाख ,00 है और मैं मुझे टेन थाउजेंड ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट से मिल रहे हैं मैंने क्या किया मैंने कहा कि मैं दूसरे प्रोजेक्ट में लगाता हूं प्रोजेक्ट बी में जहां मुझे फिफ्टीन थाउजेंड मिलेंगे या चलो एक ऐसे कम करते हैं प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी वन लाख वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड अब देखो मेरा भी चल रहा है प्रोजेक्ट ए जिसमें मैंने वन लाख लगाया हुआ है अब पॉइंट इज अगर मुझे प्रोजेक्ट बी में पैसे लगाने हैं तो मुझे यहां से वन लाख निकाल के वन ट्वेंटी लगाने पड़ेंगे यहां से वन लाख निकाल के मुझे वन ट्वेंटी लगाने पड़ेंगे दैट मीन्स ट्वेंटी थाउजेंड मैंने एडिशनल खर्चा किया दैट कैन बी कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और बेटर एग्जाम्पल तुम्हें अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूँ देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है अगर मान लो मुझे सैलरी मिल रही है ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है मुझे सैलरी मिल रही है ट्वेंटी थाउजेंड और अगर मैं पैसे कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे मैंने अगर अपना बिजनेस में छोड़ू लेट्स अगर मैं बिज़नेस अपना छोड़ रहा हूँ सॉरी बिजनेस नहीं सॉरी अगर मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ अगर मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे बिज़नेस करना है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा बिजनेस से मैं बिज़नेस से एक्सपेक्ट करूँगा कि एटलीस्ट मुझे ट्वेंटी थाउजेंड प्लस जो भी है वो प्रॉफिट आए क्योंकि दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए इतना मैं लॉस कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए इतना मैं लॉस कर रहा हूं तो यह भी मुझे पैसे रिकवर होने चाहिए दैट इज इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉस्ट ठीक है सो द द अमाउंट लॉस्ट बिकॉज ऑफ न्यू प्रोजेक्ट ये भी कंसिडर होता है कौन कौन से कंसिडर नहीं होते ध्यान रखना कौन कौन से कंसिडर नहीं होते संकॉस्ट संकॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट जो खर्चा हो चुका है जो अब हम रिकवर कभी नहीं कर सकते एक बार खर्चा हो गया हो गया अब प्रोजेक्ट करे ना करे इस पैसे से कुछ भी नहीं होगा कमिटेड कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट तो हमें करनी ही करनी है चाहे प्रोजेक्ट फुलफिल हो चाहे ना हो नॉन कैश आइटम जो भी नॉन कैश एक्सपेंसिज है उनको कंसिडर नहीं करते और एलोकेटेड कॉस्ट के जो भी हमारी फिक्स कॉस्ट को हम एलोकेट कर लेते हैं कहते हैं ना फिक्स कॉस्ट ओवर एड एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस दिस उसको भी कंसिडर नहीं करना क्योंकि वो कॉस्ट हमारे नए प्रोडक्ट के लिए नहीं है वो तो ऑलरेडी हम एलोकेट कर चुके हैं पुराने प्रोडक्ट्स में तो हम सिर्फ क्या क्या कॉस्ट प्रोजेक्ट करेंगे फ्यूचर कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट और वो कैश बेस होनी चाहिए या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट संघ कॉस्ट नहीं करते कमिटेड कॉस्ट नहीं करते नॉन कैश आइटम नहीं करते और एलोकेटेड कॉस्ट नहीं करते इसकी डिटेल इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये वाला मैं चाहता हूँ तुम पढ़ो क्योंकि ये पढ़ोगे तभी तुम्हें अच्छे से समझ आएगा सो so, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे

जो हमने प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं लेना उससे कोई इसका मतलब नहीं है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इन्हीं का एग्जाम्पल पढ़ते हैं सपोज अ कंपनी मेक्स अ नॉन अटर्नेबल डिपॉजिट एज अ डाउन पेमेंट फॉर एन आइटम ऑफ एक्पमेंट कि इक्विपमेंट लेने के लिए हमने एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट खर्चा कर किया ठीक है एंड देन रिकनसिडर्स वेदर इट वॉन्ट द इक्विपमेंट आफ्टर ऑल कि हमने पहले वो डाउन पेमेंट का खर्चा कर दिया ठीक है और वो नॉन रिफंडेबल है कभी पैसे वापस नहीं आएंगे और अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए तो उस टाइम पे जो हम कॉस्ट देखेंगे अपनी उसमें इस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अगर इन केस ये प्रोजेक्ट हम नहीं उठाते हम मना कर देते हैं तब भी ये पैसे वापस नहीं होंगे दैट्स वाय दीज आर कॉल्ड संग कॉस्ट कि प्रोजेक्ट जो हो हो रहा है अगर कोई प्रोजेक्ट हम नहीं उठाते और वो खर्चा फिर भी हो चुका है जो कभी वापस नहीं आ सकता दैट विल बी कॉल्ड है संक कॉस्ट जो ऑलरेडी खर्चा हो चुका है नेक्स्ट

हमने वैसे भी खर्चा करना था जैसे मान लो ये हमारा फिक्स कॉस्ट का वन लाख का खर्चा है और फिक्स कॉस्ट का वन लाख ही होता है हमने दूसरा प्रोजेक्ट भी उठाया तो इसमें से कुछ पार्ट हमारा फिक्स कॉस्ट का एलोकेट यहाँ हो गया कुछ पार्ट फिक्स कार्ड का फिक्स कॉस्ट का एलोकेट यहाँ हो गया फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है ना फिक्स रहती है अगर हम एक ही फैक्ट्री में दो अलग अलग प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट भी एलोकेट हो जाएगी इसको भी हमें कंसिडर नहीं करना क्यों क्योंकि ये खर्चा तो होना ही होना है चाहे हमें प्रोजेक्ट करें चाहे ना करें नॉन कैश आइटम ऑफ कॉस्ट कैन नेवर बी रेलिवेंट फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इन पर्टिकुलर डेप्रिसिए चार्जेज आर नॉट रेलिवेंट फॉर प्रोजेक्ट एनालिसिस बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस जैसा कि हमें पता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट इज ऑफन इन रेलिवेंट एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन इन्वेंट्री वैलुएशन मैथड ऑफ एलोकेटिंग ओवर एड बिकॉज उसका कैश फ्लो से कोई रिलेशन है ही नहीं लास्ट अपॉर्चुनिटी कॉस आर द कैश फ्लोज In relation to next best alternative example, if a machine was to be sold is used in a project, the lost sale value is opportunity cost and is relevant. कि अगर वो मशीन हम बेचते तो हमें लेट से टेन थाउजेंड डॉलर्स आते लेकिन अब हम टेन थाउजेंड डॉलर्स की मशीन अपने प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो इसको भी मैं अपना कॉस्ट मानूंगा ये हमने पढ़ा भी था एक जगह पे। इनिशियल कॉस्ट इनिशियल कैपिटल कॉस्ट के अंदर जब हमने आर पढ़ा था कि जो भी हम अब ये इसमें अब यहां पे और उसमें फर्क क्या है वहां पे हम लेते थे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी मशीन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट जो हम यूज कर रहे हैं यहां पे हम लेंगे अपना सेल वैल्यू कि ये एसिड इतने का सेल हो जाता लेकिन ये एसिड हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं दैट मीन ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब टेस्ट अंडरस्टैंडिंग थ्री करते हैं इसमें हमें रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है देखते हैं हम कुछ कर पाते कि नहीं कर पाते चलो अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ विजिट ईच विजिट विल टेक टू आवर्स टू मेक ओके कंपनी ने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं नए टाइप की विजिट बनाने की हर विजिट को दो घंटे लगेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स आर ए पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वन डॉलर पर लेबर आर जो फिक्स ओवरहेड्स हमारे होते थे वो वन डॉलर पर लेबर आर हमने इसमें अपोर्शन कर दिए फिक्स ओवरहेड तो हमारे रेलिवेंट कॉस्ट होते ही नहीं है क्योंकि वो खर्चा तो होना ही होना है अगर यहाँ अपोर्शन ना हो ये खर्चा ना हो तो तो वो सारा का सारा था। वहां अपोर्शन हो जाता तो इस प्रोजेक्ट की वजह से तो नहीं फिक्स कॉस्ट हुए ना तो इसीलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया इफ द न्यू विजिट्स आर प्रोड्यूस्ड द कंपनी विल हैव टू एम्प्लॉय एडिशनल सुपरवाइजर एट अ अफ फिफ्टीन थाउजेंड पर ईयर मतलब अगर ये प्रोजेक्ट हम लेंगे तो हमें एक सुपरवाइजर को रखना पड़ेगा जिसको फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर देने हैं पर ईयर तो ये हमारा रेलिवेंट कॉस्ट है द कंपनी विल प्रोड्यूस टेन थाउजेंड विजिट पर ईयर इसका हमें कुछ नहीं करना रेलिवेंट कॉस्ट इफ इज दिफ्टीन थाउजेंड डॉलर देखते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं मैंने चेक किया इसका आंसर ठीक है बिल्कुल सही आंसर है हमारा ठीक है सॉरी फिफ्टीन आएगा अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सो एडिशनल क्वेश्चन करते हैं आज यहीं तक करेंगे हम और नेक्स्ट क्लास में फिर ये चैप्टर में तुम्हें बाकी का कंप्लीट करा दूँगा जो ये पे बैक मैथड वग़ैरह है कुछ ज़्यादा नहीं है एक बार देखें आगे कितना रह गया हमारा पेबैक मैथड है और एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ पेबैक है और और, 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 और... बस आई थिंक बस ये चैप्टर खत्म तो हो जाएगा अच्छा बस पेबैक तक ही है तो चलो एक काम करते हैं फिर हम आज ही इस चैप्टर को क्लोज करते हैं जल्दी से चलो सो एडिशनल क्वेश्चन ठीक है का, cost तो ये हमारा कॉस्ट है टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी हैज बीन कैरिड आउट बाय कंसल्टेंट एट कॉस्ट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड इंटू दी बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इक्विपमेंट कि अगर हम इक्विपमेंट uh, में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे को ये बेनिफिट्स होंगे उसके लिए हमने खर्चा कर दिया मतलब ये खर्चा हो चुका है पास एक्सपेंस है अगर प्रोजेक्ट नहीं भी करते तब भी ये खर्चा हो चुका है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दैट विल बी अ अंक कॉस्ट इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट इक्विपमेंट वुड हैव अ लाइफ ऑफ फोर ईयर एंड एनुअल प्रॉफिट वुड बी एट थाउजेंड एट थाउजेंड के हैं हमारे एनुअल प्रोफिट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड एनुअल चार्ज ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फॉर शेयर इन एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ़ द कंपनी तो फिक्स कॉस्ट जो हमारा खर्चा होता है ये भी इरेलीवेंट होता है ये भी हमें कंसिडर नहीं करना और जो ये वाला एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन ये भी हम कंसिडर नहीं करते सो so यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले कैश इन फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट तो प्रॉफिट प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे फोर्टी थाउजेंड की डेप्रीसीन क्योंकि डेप्रिसिएशन का खर्चा हम कंसिडर नहीं करते और फिक्स कॉस्ट का वो खर्चा जो हमने अपोर्शन किया है वो खर्चा तो होना ही होना है यहाँ नहीं होगा तो कहीं और अपोर्शन हो जाएगा तो उसको भी हम कंसिडर नहीं करते तो वो खर्चा भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो टोटल जो हमारा कैश इनफ्लो होगा इट्स गोइंग टू बी एट थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो दैट मीनस सेवेंटी थ्री थाउजेंड हमारा हो जाएगा कैश इनफ्लो तो एक तो ये हो गया मेरा कैश इनफ्लो और इनिशियली वन सिक्सटी अगर मैं प्रोजेक्ट लेता तो मुझे 160 देने पड़ते तो मेरा कैश आउटफ्लो होगा 160 सिक्सटी so, सो देखा जाए तो इसका अगर मैं तुम्हें सिंपल सा बताऊं कि फर्स्ट ईयर में जीरो ईयर में प्रोजेक्ट में 160 होगा और हर साल एवरी ईयर कितने सालों के लिए सो वन टू फोर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सेवेंटी थ्री थाउजेंड अमाउंट हमें कैश जो प्रोजेक्ट है वो देगा कैसे आया सेवेंटी थ्री मैंने बताया था प्रॉफिट में हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दी क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम कैश फ्लो में कंसिडर नहीं करते और ये जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा हमने यहां पे अपॉर्शन किया है इसको भी हम कंसिडर नहीं करते ठीक है बहुत ही सिंपल था कुछ भी खास इसमें नहीं था अब नेक्स्ट जो मैंने बताया था दैट पे बैक मेथड ऑफ अप्रीजल सो पे बैक मेथड ऑफ अप्रीजल सो पे बैक मेथड हमारा जो होता है जैसे मैंने बताया था पे बैक मेथड का सिंपल सा पर्पस मतलब ये है हम ये देखते हैं कि जितने पैसे हमने प्रोजेक्ट में लगाए हैं ध्यान से सुनना जितने पैसे हमने प्रोजेक्ट में लगाए हैं अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स अप्रोक्सीमेट आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स वो पैसे हमें वापस आ जाएंगे ताकि हमें ये पता चले ना कि भाई अगर हमने प्रोजेक्ट में आज पैसे लगाए हैं तो छह साल बाद जो हमारी कॉस्ट थी वो पूरी हो जाएगी उसके बाद जो आएगा तो वो तो मुनाफा ही मुनाफा होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा

कि फोर टू एट ईयर्स के अंदर या फोर टू सिक्स ईयर्स में अगर कोई पैसे वापस कर देता है तो ठीक है अगर सिक्स ईयर के बाद किसी का सेवन पॉइंट थ्री थ्री ईयर्स आ रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सात साल बाद पैसे वापस आएंगे चूज बिटवीन ऑप्शन ऑन द बेसिस दास्टेस्ट पे बैक कि अगर एक कंपनी हमें फाइव पॉइंट फाइव ईयर्स में पैसे वापस कर रही है एक कंपनी फाइव पॉइंट थ्री ईयर्स में पैसे वापस कर रही है तो हम इस कंपनी में पैसे लगाएंगे क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां से जल्दी वापस आ जाएगी इतने सालों में पैसे पूरे हो जाएंगे ठीक है

एक्सपेंडिचर ऑफ टू मिलियन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लो ऑफ फिफ्टी थाउजेंड इच ईयर फॉर दिन ईयर सात सालों के लिए हमें फिफ्टी थाउजेंड फाइव लाख डॉलर आएंगे और टू मिलियन हमने इन्वेस्ट किए थे तो कितने सालों में जाके हमारे पैसे पूरे होंगे सो टू मिलियन डिवाइडेड बाय हर साल कितना रिटर्न आएगा सो फोर ईयर के बाद हम फोर ईयर इज दे बैक पीरियड फोर इयर इज दी दैक पीरियड के फोर ईयर में हमें हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो तीन सालों के फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड आएंगे 150 जो में टोटल आएगा दैट विल बी अ बेनिफिट फॉर अस चार सालों में हमारे पैसे पूरे हो गए सिंपल है गाइस बिल्कुल मुश्किल नहीं है अब पे बैक पीरियड में नॉट बी फॉर एन एग्जैक्ट नंबर टू ईयर टू कैलकुलेट पे बैक इन ईयर एंड मंथ यू शुड मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर बाय ट्वेल्व

नाइन मंथ्स तो जो भी हमारा पॉइंट आता है उसको हम ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मंथ्स मिल जाएंगे तो सिक्स ईयर नाइन मंथ्स बाद हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फाइव जल्दी से करते हैं अ प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व स्पेंडिंग ऑफ 1.8 मिलियन एनुअल कैश फ्लो इज 350 ओके okay, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो 18 डिवाइड बाय 350 इट इज 5.1428 दिस इज फाइव पॉइंट वन फोर टू एट फाइव फाइव पॉइंट फाइव तो मैंने ट्वेल्व इन टू पॉइंट करा तो so ये मेरा आता है इसको हम बोल सकते हैं ऊपर है सो दिस इज लाइक टू मंथ्स, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा फाइव ईयर टू मंथस वुड बी दी एक्सपेक्टेड पे बैक पीरियड कि फाइव ईयर टू मंथ के बाद हम तक हमारे पैसे पूरे रिकवर हो जाएंगे उसके बाद आता है अन ईवन कैश फ्लो अगर हमारा कैश फ्लो अन ईवन है जैसे अभी तक हमने क्या देखा कि जो कैश फ्लो है वो इवन है कि हर साल सेम अमाउंट आ रहा है अब अगर हमारा अन ईवन कैश फ्लो है इस केस में हमें कैसे पता चलेगा इस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पैसे कब पूरे होंगे तो यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है ध्यान रखना देर इज नो फॉर्मूला हेयर इज नो एस सच फॉर्मूला हेयर यह मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यही सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें इससे समझ आ जाएगा कि हम कैसे निकालें तो यहां पे मैं निकालूंगा अपना क्यूमुलेटिव यहां पे क्या करूंगा क्यूमुलेटिव फिगर्स अब क्यूमुलेटिव फिगर्स कैसे निकालूंगा देखो ईयर जीरो मतलब इस ईयर में तो मैंने पैसे इन्वेस्ट करे थे उसके बाद पहले में इतना रिटर्न आया दूसरे में इतना कैश फ्लो तीसरे में इतना चौथे में इतना पांचवे में इतना अब मैं यहां निकालता हूं क्यूमुलेटिव फिगर जीरो ईयर में तो नाइनटीन हंड्रेड ये अगले साल नाइनटीन हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड कितना नेगेटिव सिक्सटीन हंड्रेड फिर फाइव हंड्रेड आगे तो अब रहेगी इलेवन हंड्रेड फिर सिक्स हंड्रेड आगे बचे फाइव हंड्रेड फिर 800 आ गए अब हमारा यहाँ पे देखा जाए देखो ध्यान से अब यहां आके हमारा पॉजिटिव आ रहा है 300 तो लॉजिक क्या है जो मैंने टोटल 1900 इस साल में लगाए थे तो फोर्थ थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर के बीच में थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर के बीच में मेरा जो कैश था जो नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव हो गया हंड्रेड नेगेटिव था चल रहा 300 आया अभी भी 1600 बचा 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 है 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 500 बचाये, और 800 आने की वजह से मेरा पॉजिटिव आ गया That means इसके बीच में कहीं मेरा है आंसर इसके बीच में कहीं आ रहा है मेरा आंसर तो अब मैं कैसे निकाल सकता हूं कि इस साल में कहां पे जाके मेरे पैसे पूरे हो गए तो देखो पूरा साल का ध्यान से देखना थ्री टू फोर ईयर के बीच में मुझे टोटल कितना अमाउंट आ रहा है एट हंड्रेड थ्री टू फोर ईयर के बीच में मुझे कितना अमाउंट आ रहा है एट हंड्रेड मुझे यह देखना है कि थ्री टू फोर ईयर में फाइव हंड्रेड कहाँ पे कवर होगा ये मुझे चेक करने कि फाइव हंड्रेड कहाँ पे कवर होगा ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ फाइव हंड्रेड इसका सिंपल सा फॉर्मूला गाइज देखो दिस इज फाइव हंड्रेड जो मुझे कवर करना है डिवाइडेड बाई एट हंड्रेड तो जितना मेरा नेगेटिव था फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई एट हंड्रेड इंटू ट्वेल्व तो ये हो जाएंगे मेरे नंबर ऑफ मंथ्स तो ट्वेल्व इंटू फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई एट हंड्रेड ये मेरा आता है सेवन पॉइंट फाइव और इसको मैं बोल सकता हूँ एट मंथ्स सो दैट मींस पे बैक पीरियड जो मेरा यहाँ पे होगा इट विल बी थ्री ईयर्स एट मंथ्स थ्री ईयर एट मंथ्स विल बी माई पे बैक पीरियड बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पे क्या क्या दोबारा बता रहा हूं मैंने जो भी मेरी नेगेटिव फिगर थी वो कब जीरो हो रही है मुझे ये निकालनी है पूरे साल में तो मैंने प्रोरेशन लगा दिया कि पूरा साल मेरे को आ रहा है 800 तो 500 कब आएगा 500 हंड्रेड डिवाइड बाई एट हंड्रेड इंटू ट्वेल्व अब अगर मुझे पे बैक पीरियड कोई बच्चा यहाँ पे बोले कि सर अभी इस मंथ्स को छोड़ो मुझे जैसे पुराने में जब हम डिवाइड करते थे तो पॉइंट्स में आंसर आता था अगर वो निकालना है तो कैसे आएगा सो इट विल बी सिंपल थ्री प्लस फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई एट हंड्रेड थ्री प्लस फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई एट हंड्रेड तो फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई एट हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्स टू फाइव प्लस थ्री सो दिस इज 3.625 ये है मेरा पे बैक पीरियड और अगर पूरा प्रॉपर मंथ्स में निकालना है तो यहां पे भी ऐसे कर सकते हैं तो 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 ये आ गया मेरा दैट इज दोबारा से गाइस बहुत सिंपल है जिस साल मेरा इनफ्लो पॉजिटिव में जिस साल क्यूमलेटिव मेरा पॉजिटिव आ रहा है उस साल के अंदर मुझे फिगर निकालनी पड़ेगी नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल टू ट्वेल्व वो हो जाएंगे मंथस प्लस पे बैक पीरियड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इसके है, वो मैं एक बार शॉर्ट में बता दूंगा तो पढ़ यहाँ पे हुआ जैसे मैंने बताया और यह चैप्टर हो जाएगा खत्म <coughs> अब देखोग क्वेश्चन भी करते हैं दोबारा से दूसरा क्वेश्चन है सॉरी तो यहां पर मुझे निकालना है पे बैक पीरियड विद अन कैश फ्लो कैलकुलेट पे बैक पीरियड इन ईयर एंड मंथ्स फॉर दी फॉलोइंग प्रोजेक्ट हमें मंथ्स के ये निकालना है इसमें तो देखो देखोगा यहाँ पे कैसे निकलेगा तो क्यूमुलेटिव में निकालता हूँ थर्टी वन हंड्रेड वन थाउजेंड आगे अभी भी बचे ट्वेंटी वन हंड्रेड नाइन हंड्रेड आगे बचे ट्वेल्व हंड्रेड एट हंड्रेड आगे अभी भी बचे हैं फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड आ गए अब यहाँ मेरा पॉजिटिव आंसर आ रहा है हंड्रेड यही आ रहा है तो मतलब थर्ड थ्री और फोर्थ ईयर के बीच में तो मुझे मंथ्स में निकालना है सो कैसे निकालूंगा फोर हंड्रेड divide by 500 into 12 so 400 divide by 500 into 12 ये मेरा आता है 9.6 so 9.6 मतलब 10 मंथ्स सो so इसका आंसर आ जाएगा 3 इयर्स 10 मंथ्स ये हो जाएगा मेरा पेबैक पीरियड ठीक है गाइस बिल्कुल सिंपल है दो तीन बार क्वेश्चन करोगे गाइस अच्छे से समझ आ जाएगा और आई थिंक इसके बाद इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है सिर्फ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स हैं यस ये चैप्टर खत्म चलो जल्दी से मैं इसके आपको फायदे बता देता हूँ कि पे बैक पीरियड के हमारे फायदे क्या हैं सबसे पहला इट इज़ ऑल्सो सिंपल दूसरा इट इज़ यूजफुल इन सर्टेन सिचुएशन जहाँ पे रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूविंग इन्वेस्टमेंट कंडीशन क्यों क्योंकि रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी अगर है तो हमारे कैश फ्लो में फ़र्क पड़ सकता है प्रॉफिट में चाहे फर्क ना पड़े लेकिन कैश कितना आएगा कितना नहीं आएगा उसमें फ़र्क पड़ सकता है इम्प्रूविंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इट फेवर क्विक रिटर्न इट हेल्प्स कंपनी ग्रो मिनिमाइज रिस्क मैक्सिमाइज लिक्विडिटी लिक्विडिटी मतलब कितना कैश अवेलेबल है हमारे पास क्योंकि हम कैश में वर्किंग कर रहे हैं हम प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं हमें देख रहे हैं कितना कैश आ रहा है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि कितने साल बाद हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क है अगर हमारे तीन साल में पैसे पूरे हो रहे हैं तो ऐसे तो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं तो लिक्विडिटी के तीन साल बाद पैसे पूरे होंगे अब हमारे पास कैश काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और इट यूज कैश फ्लो एंड नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट ये हमारे फायदे हैं नुकसान क्या है

लेकिन पाँच साल एक महीने के बाद मतलब सिर्फ एक महीने बाद तो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया तो क्या फायदा उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए कुछ कमाया तो है नहीं वो चीज हम यहाँ पे, पे पे बैक पीरियड में कैलकुलेट करते ही नहीं। इसमें देखा ही नहीं जाता वो इट इग्नोर्स टाइमिंग्स ऑफ द कैश फ्लो कि कैश फ्लो कब कब आ रहे हैं उसकी टाइमिंग हम नहीं देखते हम सिर्फ ये देखते हैं कि कब हमारे पैसे पूरे होंगे इट इज सब्जेक्टिव ये भी नो डेफिनेटिव इन्वेस्टमेंट सिग्नल ये भी हमें डेफिनेट नहीं बताता जैसे मैंने बताया है अब जैसे मान लो दो प्रोजेक्ट हैं अगर मैं दस लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं दोनों प्रोजेक्ट में ठीक है यह प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड है फाइव ईयर्स ये प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड है फाइव पॉइंट फाइव ईयर्स टू मंथ्स ध्यान से सुनना गाइस तो डेफिनेटली हमने पढ़ा है कि जिसका पे बैक पीरियड कम होगा हम उसमें पैसे लगाएंगे जल्दी पैसे आएंगे लेकिन ये प्रोजेक्ट अगले छः साल तक और चलेगा इसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः साल तक और चलेगा जो हमें रिटर्न देगा ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक साल चलेगा तो देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक साल और चलेगा तो यहां पर रिटर्न में कम है लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे साल और चलेगा तो यहां रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे लेकिन मैडम जो जो या सर हमने फॉर्मुला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर आ रहा है तो ये भी हमारा एक डायरेक्ट आंसर अच्छा आंसर नहीं देता बेटर है ये प्रॉफिट वाले मेथड से क्योंकि प्रॉफिट्स आर नॉट गुड लेकिन दिस इज नॉट आल्सो द राइट आंसर लास्ट इट इग्नोर्स प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अब कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी में हम हमेशा फ़ाइट करेंगे लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी अगर हर साल हमें बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे कैश फ्लो थोड़ा बहुत आ रहा है चलो कैश फ्लो आ रहा है लेकिन लॉसेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो भी उस लॉसेज का क्या फ़ायदा है कि बिज़नेस तो लॉस में जा रहा है अल्टीमेटली एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है तो वो ये पार्ट इग्नोर करते हैं सो दीज आर एडवाटेजेस एंड डिसएडवान्टेज ऑफ पे बैक पीरियड पीरियड और ये चीज तुम्हें अच्छे से समझनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट इसका अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये कि स्टडी में या बड़े क्वेश्चन में दे कैन आस यू एडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड या डिसएडवांटेजेस तो इन सब को अच्छे से पढ़ लेना ये यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है पूरे सारे तो इसको भी अच्छे से एक बार पढ़ लेना और यहाँ पे आके तुम्हारा चैप्टर ये क्लोज सारी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स कर लेना जो भी डाउट हो हम ग्रुप में डिस्कस कर लेना या फिर यू कैन राइट इन दी कमेंट सेक्शन So bye guys, take care and have a great.